क्लास 10 के प्रश्नावली 3.6 के प्रश्नों का हल करना है। यदि प्रश्न यहाँ पे 3 है और 3 के प्रश्नों को यहाँ पे 3 का 3 नंबर क्वेश्चनों का हम लोग को हल करना है जो समीकरण है। सबसे पहले हम इसमें कुछ मान को मानेंगे। माना कि एक बटा एक्स बराबर ए तथा वाई बराबर बी है। तो अब हम लोग को यहाँ पे एक बटा एक्स बराबर ए तथा वाई बराबर बी है। अब हम लोग को मानना पड़ेगा 4/x यहाँ पे है, तो हम लोग कर लेंगे इसको 4/x। यहाँ पे हम लोग करेंगे 4/x से, तो हम लोग इसको चाहे तो 4 × 1/x लिख सकते हैं। 1/x जो है इसका मान हम लोग क्या माना है, ए माना है। तो 4 × यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी 4a हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4a हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आसानी से लिख लेंगे। यहाँ पे 4a प्लस 3 वाई के मान हम लोग कितना माना है, बी। तभी यहाँ पे हो जाएगा 14। इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब यहाँ पे फिर मानेंगे हम लोग, जैसे इसको माने वैसे इसको करेंगे, तो 3a यहाँ पे -4b बराबर कितना हो जाएगा, 23। इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ये समीकरण और ये भी समीकरण, इसमें हम गुणा कर देंगे 3 से, इसमें गुणा कर देंगे हम 4 से। गुणा कर लीजिए यहाँ पे 4 × 3 = 12a, 3 × 3 = 9b बराबर 14 × 3 = 42। इसमें पूरा कीजिए 4 × 3 = 12a, यहाँ पर 4 × 3 = 16b, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 × 3 = 12 के दो हाथ में 1, 8 कितना हो जाएगा, 9। इसको हम लोग समीकरण नंबर 3 मान लेंगे, इसको समीकरण नंबर कितना मान लेंगे, 4। समीकरण 3 में से 4 को घटाने पर क्या हो जाएगा, 12a + 9b = 42, 12a - 16b = 92। ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल, इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25b। इसको घटाएंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, 50। इसलिए बी बराबर हो जाएगा, इधर गुणा उधर जाएगा तो भाग, -50/25, 25 गुना कितना हो जाएगा, 50। यानी हम लोग का बी का मान कितना आ गया है, 2 आ गया है माइनस। समीकरण 4 में बी का मान रखने पर, यहाँ पर हो जाएगा 12a - 16b = कितना हो जाएगा, 92। आप इसका स्टेप आगे देख सकते हैं हम लोग। अब चलिए यहाँ पे आ गया हम लोग का इस समीकरण में मान रखना है। चलिए यहाँ पे हम लोग रख देते हैं मान 12a - 16b = कितना है, 92। 12ab का मान कितना है, 16 × b का मान कितना हम लोग दिया है, -2 = 92। 12a 16 × कितना हो जाएगा, 32, -+ 92। तो 12a और इधर माइनस प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 92 में से कितना घटाएंगे, 32। तो यहाँ पर हो जाएगा 12a बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 60। इसलिए a बराबर इधर गुणा में उधर जाएगा तो भाग में, 12 × 5 कितना हो जाएगा, 60। यानी कितना हो जाएगा, a का मान आ जाएगा आपका 5। a का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर बताते हैं।
कुछ यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कुछ आप लोग का मिस्टेक हो रहा। चलिए हम इसको यहाँ पे बनाते हैं। अब यहाँ पे ए बराबर कितना आया है, ए बराबर आया है हम लोग का एक बटा एक्स बराबर ए है, और यहाँ पे कितना है वाई बराबर बी है। थोड़ा सा केयर कीजिएगा, एक बटा एक्स बराबर ए का मान कितना आया है पाँच बटा एक, और यहाँ पे बी वाई बी का मान कितना है माइनस दो। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें इससे गुणा इसमें इससे गुणा, तब पाँच एक्स बराबर एक, इसलिए एक्स बराबर कितना हो जाएगा, इसलिए एक्स बराबर कितना हो जाएगा एक बट्टा पाँच। तो एक्स का मान हो जाएगा एक बट्टा पाँच, वाई का मान हो जाएगा कितना दो। यहाँ पे थोड़ा सा केयर कर लीजिएगा लोग, यहाँ पे बारह ए है बराबर कितना है साठ है, इसलिए ए बराबर हो जाएगा कितना हो जाएगा, ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा आपको पाँच। चलिए अब आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम आप लोग को बताते हैं। यहाँ दिक्कत हो रहा है आप बता दीजिए थोड़ा, इस टाइप का चलिए अब हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे तीन का चौथा पद, पाँच बट्टा एक्स माइनस एक प्लस एक बट्टा वाई प्लस दो बराबर यहाँ पे सॉरी माइनस यहाँ पे हो जाएगा दो, यहाँ पे हो जाएगा दूसरा का समीकरण एक्स माइनस एक माइनस हो जाएगा तीन बट्टा वाई माइनस दो बराबर कितना हो जाएगा एक। चलिए नोट कर लीजिए, माना कि ए बराबर एक बटा एक्स माइनस ए तथा बी बराबर एक, बी बराबर एक बटा वाई माइनस दो है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जब यहाँ पर हम लोग लिखा गया तो अब हम लोग रखेंगे यहाँ पे पाँच ए, समझ लीजिएगा पाँच गुणे एक बटा एक्स माइनस ए, इसका हम लोग मान कितना माने हैं एक। अगर फिर हम लोग गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा पाँच, तो इसके जगह पर हम लोग कितना रख देंगे पाँच ए। ऐसे याद रखिएगा, पीछे बताई वो किया है, यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा बी बराबर दो, इसको हम लोग समीकरण नंबर मान लेंगे एक। आप देखेंगे हम लोग यहाँ पे कितना हो जाएगा छः ए माइनस तीन बी बराबर यहाँ पर हो जाएगा एक, इसको हम लोग समीकरण बोलेंगे दो। इसके अब यहाँ पर हो जाएगा, आपको देखना पड़ेगा। अब हम लोग इस विधि से बना सकते हैं इसको, थोड़ा सा केयर कर लीजिए, इसको हटा दीजिए, अभी तो का चिन्ह कोई जरूरत नहीं, यहाँ पे एक दे दीजिए, यहाँ पे कर दीजिए और तीन से गुणा कर दीजिए। यहाँ पे यहाँ पे देखिए तीन है, तीन से गुणा यहाँ पे कितना से कर देंगे हम लोग एक से गुणा, गुणा कीजिए पाँच या पंद्रह ए यहाँ पर हो जाएगा प्लस तीन बी तीन गुना छः, इसमें गुणा कर दीजिए छः ए माइनस तीन बी बराबर कितना हो जाएगा एक। देखिए ए प्लस माइनस कैंसिल, यहाँ पे हम लोग इसको जोड़ देंगे पंद्रह को छः को, इक्कीस ए बराबर छः ए कितना हो जाएगा सात, इसलिए ए बराबर हो जाएगा, इसलिए ए बराबर हो जाएगा एक स्टेप हो सकता है, इसलिए ए बराबर हो जाएगा सात बटा कितना हो जाएगा एक, सत्री के कितना हो जाएगा इक्कीस, या एक बटा कितना हो जाएगा तीन, सत्री के इक्कीस सात एकम सात सत्री के कितना हो जाएगा इक्कीस। आप चलिए समीकरण दो में, समीकरण दो में ए का मान रखने पर समीकरण हम लोग का दो क्या है, ये समीकरण दो है छ ए माइनस तीन बी बराबर एक, छ ए का मान कितना है
एक बटा तीन माइनस तीन बी बराबर कितना है, एक है। तीन गुना के कितना हो जाएगा, छः। दो माइनस तीन बी बराबर कितना है, एक है। दो इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तीन बी। एक बराबर हो जाएगा तीन बी, इसलिए बी बराबर हो जाएगा एक बटा तीन। बी बराबर हो जाएगा एक बटा कितना हो जाएगा, तीन। अब यहाँ पे हम लोग का बी का मान एक बटा तीन और किसका मान, ए का मान आ गया एक बटा तीन। बी का भी मान एक बटा तीन और ए का भी मान एक बटा तीन। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बारे में हम बताते हैं आगे। चलिए हो गया, अब आप लोग यहाँ पे आसानी से इसको कर सकते हैं। चलिए कर लीजिए, अब हम लोग क्या माने थे, ए बराबर एक बटा एक्स माइनस एक है, तो अब ए का मान कितना आता है, एक बटा तीन बराबर हो जाएगा एक बटा एक्स माइनस एक, एक से कैंसिल, तब हो जाएगा तीन बराबर एक्स माइनस एक, इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, इसलिए एक्स बराबर, फिर माइनस का तीन प्लस एक बराबर कितना हो जाएगा, चार। अब यहाँ हो जाएगा बी का मान कितना था, तो बी का मान भी एक बटा तीन, एक बटा वाई माइनस यहाँ पे कितना, एक बटा वाई माइनस दो, एक से एक केस, यहाँ पर हो जाएगा तीन बराबर वाई माइनस कितना हो जाएगा, तो इधर माइनस में उधर आएगा तो प्लस दो, इसलिए वाई बराबर तीन प्लस दो बराबर वाई बराबर कितना हो जाएगा, पाँच। तो एक्स का मान कितना आ गया हम लोग का, चार, और वाई का मान कितना आ गया, पाँच। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए, बाकी आज के लिए इतना ही, फिर कल इसके बारे में बताया जाएगा, नोट कर लीजिए।